Hi everyone, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the top end verified educator. In this video, we will discuss the next chapter of RS Sharma. In this series, we are doing the RS Sharma Ancient Indian History course, which is based on class 11th old NCERT book. And the chapter is Harsha's Kingdom. So basically, आज हम हर्षवर्धन के empire के बारे में जानने वाले हैं. आइए शुरू करते हैं आज के इस important lesson को. तो गाइज मैं हूँ आरती मिश्रा और आप इस सीरीज के अगर पिछले लेसन्स नहीं देख पाए हैं तो उसे आप आर्य शर्मा की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और बाकी सभी रिक्वायर्ड लिंक्स जो हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं. इस सीरीज के अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का नाम है NCERT आरती मिश्रा. Just search it and remember this spelling double A and double E. So if you search this name NCERT Aarti Mishra, you will get the channel. So please search it on Telegram and join the channel to get all the PDFs for free. तो आज हम हर्ष के किंगडम में देखेंगे कि कैसे गुप्ता एम्पायर के ख़त्म होने के बाद एक बहुत बड़ा नया एम्पायर नॉर्थ इंडिया में शुरू हुआ. इसके कैपिटल के बारे में जानेंगे, इनके कोर्ट पोएट के बारे में, इनके पैट्रोनेज एडमिनिस्ट्रेशन और इनके अंतर्गत जो आए हुए बहुत इम्पॉर्टेंट एक ट्रैवलर थे, चाइनीज़ ट्रैवलर जिनका नाम ह्यून सांग था. ह्यून सांग ने इनके बारे में क्या लिखा वो सब चीज़ें जानेंगे. इसका पूरा जो पर्पस रहा, उनका जो अकाउंट रहा शूद्रास के बारे में, अनटचेबल्स के बारे में, वो भी हम जानेंगे. बुद्धिज्म और नालंदा से कैसे ये रिलेटेड है उसको भी हम समझेंगे. साथ ही हम हर्षा की रिलीजियस पॉलिसीज़ के बारे में जानेंगे. साथ ही हम हर्षचरित के बारे में जानेंगे जिसकी रचना बाण भट्ट ने की थी. और फिर हमारा जो अगला चैप्टर वो है पेनिनसुला के अंदर जो रूरल एक्सपेंशन हुआ, उस चीज़ के बारे में हम अगले चैप्टर में फिर डिस्कस करेंगे. तो आइए शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट लेसन को. और आपको बताना चाहूँगी गाइस कि आप टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं. अगर आप टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो 10% डिस्काउंट के साथ आपको कई सारे एक्स्ट्रा कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे 5000 पेजेस के हैंड रिटन नोट्स, डेली स्टडी प्लान, पर्सनलाइज मेंटरशिप और साथ ही सारे स्टैंडर्ड बुक्स का PDF कंपाइलेशन. नए बैचेस मंडे से शुरू हो रहे हैं, प्लीज डोंट मिस इट. अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं लेकिन अगर कोई डाउट्स हैं, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत अगर आपको हो रही है, कोई आप बात करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं. और कॉल या व्हाट्सएप कर करके आप अपनी कोई भी जो है जानकारी ले सकते हैं. ध्यान रखिए कि अगर आपने एक बार अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया और टॉप 10 का रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आप सिर्फ मेरी ही क्लास में नहीं बल्कि सभी एजुकेटर्स की क्लासेस में भी जा सकते हैं. जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी बैचेस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, वो सब आप देख सकते हैं, एवरीथिंग. तो आपको एक अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है. प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सारी तैयारी आप कर सकते हैं. सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन जो है इसके लिए काफ़ी है. सिर्फ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन आपको लेना होता है. चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हूणास के इन्वेशन की. तो हूणास कौन थे, ये हूण्स कौन थे? ये जो है ये सेंट्रल एशिया से आए हुए पैस्टोरल ग्रुप था, ठीक है. ये इंडिया पर इन्वेशन करते हैं और इंडिया पर अपना एम्पायर बनाने की कोशिश करते हैं. जैसे कि एक समय पर आर्यंस आए थे, कुषाणस आए थे, शाकास आए थे, वैसे ही हूणास, ठीक है. ये कब आए हैं? ये लेटर गुप्ता पीरियड में आए हैं. अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने इंडिया पर इन्वेशन किया और अपने आप को बहुत ही सुप्रीम वे में स्टैब्लिश किया. और इनकी सुप्रीमेसी कहाँ थी? बेसिकली जो कश्मीर का, पंजाब का और जो वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है वहाँ पर थी. तो आप देख सकते हैं ये पूरा जो पार्ट है, ये सारे पार्ट्स पे हूणास का कब्ज़ा हो चुका था. और ये आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे जो है हाईलाइट किया हुआ है आपके लिए, हूणास के ये इलाका था इनका. इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी को स्थापित किया कश्मीर, पंजाब और वेस्टर्न इंडिया में AD 500 के अंतर्गत. नॉर्थ इंडिया इस टाइम में छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड था. इसी का फ़ायदा इन्वेडर्स उठा रहे थे. जब उन्होंने देखा कि लेटर गुप्ता पीरियड में जो सक्सेसर्स हैं, जो उत्तराधिकारी हैं, वो काफ़ी कमज़ोर हैं और भारत में कोई भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो इसका फ़ायदा उठा करके कई सारे इन्वेडर्स इंडिया में आने लगे. नॉर्थ इंडिया इस टाइम में छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइडेड था
और जो हर्षवर्धन थे वो फिर इसके बाद राइज होंगे, जो कि 606 से 647 एडी के बीच में रूल करेंगे। हर्षवर्धन जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, पहले क्या था कि इनका जो ये पूरा किंगडम है इसको इस्टेब्लिश करने से पहले ये लोग जो थे ये वर्धन्स कहलाते थे। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग सामंत थे, सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत ये गुप्ताज के अंदर काम करते थे। मतलब मान के चलो कि ये गुप्ताज के अंदर काम करने वाले लोग थे जिन्होंने बाद में गुप्ता एम्पायर को ही चैलेंज कर दिया। आप कह सकते हैं कि गुप्ता एम्पायर के जब आखिरी फेज था तो हर्षवर्धन ने काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ की है। हर्षवर्धन जो हैं ये राजा बनते हैं, ये किंग ऑफ थानेश्वर बने हरियाणा में। थानेश्वर जो है ये दिल्ली के पास एक जगह है और इन्होंने कन्नौज को अपनी कैपिटल बनाया था। कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में है ये इनकी सीट ऑफ पावर था। आप यहाँ मैप में देखिए कन्नौज की जो लोकेशन है, अब आप देखिए कन्नौज की जो लोकेशन है यहाँ पे कौन सी दो नदियाँ हैं, यमुना नदी है और गंगा नदी है, यानी कि ये एक फर्टाइल इलाका है। साथ ही ये थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ इलाका था जिसका फोर्टिफिकेशन करना बहुत आसान था। तो कन्नौज जो है वो एक इलेवेटेड एरिया पर सिचुएटेड है। इलेवेटेड एरिया मतलब इलेवेटेड मीन्स थोड़ा ऊंचा उठा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पे इजीली इसको फोर्टिफिकेशन करना आसान था। फोर्टिफाई किया गया, किलाबंदी की गई और बहुत बढ़िया तरीके से हर्षवर्धन ने अपना एम्पायर स्थापित किया। आप देख सकते हैं ये सारा जो ये पिंक पिंक एरिया है, ये सारा पिंक पिंक एरिया जो है ये सब का सब हर्षवर्धन का एम्पायर हुआ करता था। काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ की इम्पॉर्टेंट लोकेशन देखिए, बोध गया। बताइए कमेंट सेक्शन में कि बोध गया में क्या हुआ था, व्हाई बोध गया इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या सिग्निफिकेंस है बोध गया का, यू नीड टू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, तो बोध गया के बारे में बताइएगा। अब देखिए जो ये पूरा इलाका है इनका, ये जो कन्नौज है ये लोकेटेड है बिल्कुल मतलब बिल्कुल दोआब के बीच में। दोआब क्या होता है, दो नदियों के बीच में जो जगह होती है, तो यमुना और गंगा नदी के बीच की जो ये लैंड है इसे हम दोआब कहते हैं, जो कि काफ़ी फर्टाइल है और वेल फोर्टिफाइड है, यानी कि किला बंदी की हुई है, पूरा बंद है। तो ये 7th सेंचुरी के अंतर्गत हुआ। अब हर्ष का ये जो सारा रीन है इसके टाइम के बारे में हमें जानकारी कैसे मिलती है, हर्षवर्धन ने ये जो इतना बढ़िया एम्पायर बनाया और इतने अच्छे से ये जो ग्रो हुए वो कैसे हुए। तो हर्षवर्धन जो थे इनका पूरा आइडिया समझिए, बाणभट्ट जो इनके कोर्ट पोएट थे, जो इनके राजकवि थे, उन्होंने काफ़ी सारी रचनाएं लिखी हैं जिसके द्वारा हमें हर्ष के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में, उनके पूरे इतिहास के बारे में जानकारी हासिल होती है। इसके अलावा ह्यून सांग जो कि चाइना से आए हुए एक ट्रैवलर थे, इन्होंने अपना जो ट्रैवल अकाउंट लिखा है वो हमारे लिए एक सप्लीमेंट्री सोर्स है, जिससे कि पता चलता है कि 7th सेंचुरी AD में इंडिया की क्या हालत थी और उस समय में जब हर्षवर्धन इंडिया पर रूल कर रहे थे तो वो कैसा चल रहा था। क्योंकि ह्यून सांग हमारे देश में पूरे 15 साल रहे थे, ये एक बहुत लंबा समय होता है किसी देश के बारे में जानने के लिए और उसके बारे में लिखने के लिए। तो ह्यून सांग का जो 15 साल का ट्रैवल अकाउंट है, दैट्स अ इम्पॉर्टेंट लेसन फॉर अस। हर्ष के बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी थे जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रकार के टैक्सेस और अलग अलग प्रकार के ऑफिशियल्स के बारे में जानकारी दी है। अब हर्षवर्धन तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इनका सपना था कि ये पूरे नॉर्थ इंडिया को कैप्चर करें और उसकी तरफ फिर साउथ की तरफ जाएं। साउथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नर्मदा नदी, ये नर्मदा नदी को क्रॉस करके नीचे जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर चालुक्यास का किंगडम हुआ करता था। चालुक्या के राजा थे उस टाइम में पुलकेशिन सेकेंड। तो पुलकेशिन सेकेंड के साथ इनका युद्ध हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, पुलकेशिन सेकेंड के साथ इनका युद्ध होता है। तो दो इम्पॉर्टेंट इनको ऑपोजिशन मिला था। तो पहला ऑपोजिशन जो इनको मिला था वो बंगाल में मिला था, ईस्टर्न इंडिया बंगाल में जब ये गए तो वहाँ पर इनको एक राजा मिले जो कि शिव के भक्त थे, शैवैत किंग थे, इनका नाम था शशांक, शशांक ऑफ गौड़ा। शशांक जो है इन्होंने बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके बंगाल में अपना पूरा किंगडम स्टैब्लिश किया था, जिसे गौड़ा के नाम से जाना जाता था। शशांक के साथ इनकी थोड़ी सी युद्ध हुई, लड़ाई हुई। और दूसरा जो इनको ऑपोजिशन मिला था, जो कि बहुत ही भारी ऑपोजिशन था,
वो था साउथवार्ड मार्च के समय में, जब ये दक्षिण की तरफ निकलते हैं और दक्षिण भारत को जीतने के लिए जब आगे बढ़े तो हर्षवर्धन को लड़ाई लड़नी पड़ी पुलकेशिन सेकेंड के साथ। पुलकेशिन उस राजा का नाम था जो उस समय में साउथ इंडिया के डेक्कन पार्ट पर रूल कर रहे थे। तो अब जो है नर्मदा नदी को इन्होंने जैसे ही क्रॉस किया तो यहाँ पे चालुक्या राजा थे पुलकेशिन, चालुक्या किंगडम था। चालुक्या किंगडम की खास बात क्या थी कि चालुक्या किंगडम हाईली सेंट्रलाइज्ड किंगडम था, बहुत ही ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड था। तो पुलकेशिन जो थे इसके राजा थे, इन्होंने हर्षवर्धन को रोका और कहा कि नहीं भाई आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, हर्षवर्धन युद्ध में हार गए, हर्षवर्धन युद्ध में हार गए। और पुलकेशिन सेकेंड जो है उस समय में मॉडर्न कर्नाटका और महाराष्ट्र का जो एक बहुत बड़ा इलाका है उस पर रूल कर रहे थे। उस टाइम में चालुक्यास की जो कैपिटल थी वो थी बादामी में, बादामी जो है वो मॉडर्न बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है कर्नाटका के, तो कर्नाटका का जो मॉडर्न बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है ना वहीं पे ये आता है। अब आपके लिए एक और सवाल है, बताइए कि इस जगह पर कौन सा टाइप ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर है जो कि फ्लरिश हुआ, उस पर्टिकुलर स्टाइल का क्या नाम है जो कि बीजापुर कर्नाटका के अंदर जो बीजापुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था। तो अगर आपको याद है तो मुझे बताइए, इसका सोर्स है नितिन सिंघानिया चैप्टर नंबर 1, ठीक है, इफ़ यू नो लेट मी नो। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, गुप्ताज का जो एडमिनिस्ट्रेशन था ना बिल्कुल सेम लाइन पर इनका भी एडमिनिस्ट्रेशन था, क्योंकि ये लोग गुप्ताज के सामंत थे। सामंत में क्या होता है, सबसे ऊपर होता है राजा, राजा के नीचे होता है सामंत यानी कि फ्यूडल लॉर्ड, जिसको कि फ्यूडल लॉर्ड कहते हैं, और सामंत के नीचे होते हैं कई सारे गांव। जिन गांवों को सामंत संभालता है उन गांव का जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, वहां से टैक्सेस को कलेक्ट करता है। तो सामंत जो है वो टैक्सेस को कलेक्ट करने का काम किया करते थे, और सामंत जो है उसका कुछ पैसे का हिस्सा अपने पास रख करके बाकी सारा कुछ राजा को हैंड ओवर कर देते थे। तो राजा को बैठे बिठाए टैक्सेस भी मिल जाता था और एडमिनिस्ट्रेशन भी हो जाता था, लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन हो जाता था। तो राजा का फायदा ही फायदा हो गया, राजा की सारी हेडेक का खत्म हो गई। लेकिन अगर ये राजा कमजोर पड़ जाए, अगर ये राजा वीक हो जाए तो सामंत अपने आप की इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देगा, और ऐसा ही यहाँ पर भी हुआ था। तो गुप्ताज के अंतर्गत ये लोग काम करते थे, ये लोग जो वर्धन कहलाते हैं ये अपने आप को वर्धन कहते थे, ठीक है, तो ये गुप्ताज के अंतर्गत काम करते थे बिल्कुल सेम लाइन पर जैसे कि गुप्ताज का रूल था, डिसेंट्रलाइज्ड काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ अलग अलग लेवल पर सरकार बटी हुई है, बिल्कुल उसी प्रकार से इन्होंने भी अपना एडमिनिस्ट्रेशन किया था, बल्कि उससे भी ज़्यादा फ्यूडल और उससे भी ज़्यादा डिसेंट्रलाइज था, यानी कि कई सारे लेवल्स पर इन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बांटा हुआ था। हर्षवर्धन की आर्मी बहुत बड़ी थी और इनको फ्यूडल लॉर्ड्स का बहुत सपोर्ट था, यानी कि सारे सामंतों के साथ मिलजुल करके ये अपना पूरा एम्पायर चला रहे थे। इस समय में हर्षवर्धन ने कई सारे लैंड ग्रांट्स जो हैं दिए थे। लैंड ग्रांट्स किसको दिए जाते हैं, प्रीस्ट को दिए जा रहे थे, यानी कि जो प्रीस्ट होते थे जो कि स्पेशल सर्विसेज करते थे स्टेट के लिए, यानी कि जैसे कि पूजा पाठ करवाना, लोगों के बीच में राजा का महत्व बनाए रखना और जो है यज्ञ हवन करवाना, तो प्रीस्ट लोग जो होते थे उनको बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते थे, और वो जो है उनको खूब सारे लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे, ज़मीन उनको दान में दी जाती थी। इसके अलावा हर्षवर्धन को माना जाता है कि इन्होंने कई सारे ऑफिसर्स को लैंड ग्रांट भी दिया था, ठीक है, तो लैंड ग्रांट ये लोग ऑफिसर्स को भी देते थे, चार्टर इशू करते थे ये लोग, तो उसमें पूरा एक सरकारी दस्तावेज बना करके ऑफिसर को दिया जाता था कि भाई ये तुम्हारी ज़मीन का हिस्सा है, इस जगह को तुम संभालो, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करो और यहाँ का रेवेन्यू कलेक्शन करो। तो बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पूरा जो ये राज्य था वो विभाजित था, और ह्यून सांग हमें बताते हैं कि जो रेवेन्यू है हर्षवर्धन के वो चार हिस्सों में डिवाइडेड थे। तो ह्यून सांग बताते हैं कि जो फोर पार्ट्स है रेवेन्यू के हर्ष के, जिसमें कि चार प्रकार से हर्ष का जो टैक्सेस का कलेक्शन है उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया गया था। तो पहला हिस्सा था जिसमें कि राजा का खुद का खर्चा जिससे निकलेगा, उसका खुद का एक्सपेंडिचर, ठीक है, राजा का खर्चा है। सेकेंड है स्कॉलर्स के लिए, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स होते हैं,
जिनको कि पैट्रोनेज दिया गया है, जो दिग्गज होते हैं, उनको उनके ऊपर खर्चा करने के लिए कुछ हिस्सा रखा जाएगा। तीसरा, जो ऑफिसर्स हैं, स्टाफ है, पब्लिक सर्वेंट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो कि काम कर रहे हैं राजा के लिए, सारा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, उनको जो भी सैलरी जाएगी उसके लिए पैसा अलग रखा गया। और चौथा, रिलीजियस पर्पस के लिए, हवन, यज्ञ, कर्म कांड जो भी करवाना है उसके लिए भी रिलीजियस पर्पस के लिए इन्होंने रेवेन्यू का एक हिस्सा अलग रखा। तो अपने पूरे रेवेन्यू को ये चार हिस्सों में बांट करके चलते थे। साथ ही पता चलता है कि इनके अंतर्गत कई सारे मिनिस्टर्स थे, हाई ऑफिसर्स थे, और इन सभी को जो है कई बार लैंड ग्रांट्स दिए जाते थे जहाँ पर ये अपना सारा काम करते थे। ठीक है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि हर्षवर्धन के समय में लॉ एंड ऑर्डर उतना ज़्यादा अच्छा मेंटेन नहीं था, क्योंकि धीरे धीरे इनके आगे आने वाले कोई ऐसे सक्सेसर नहीं थे जो इस एम्पायर को संभाल सकें, और इसीलिए जो है अरब इन्वेशन हो जाता है। और सबसे पहले जो इंसान सिंध को जीतता है और अरब इन्वेशन को सक्सेसफुल बनाता है इंडिया में, उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, जो कि 712 AD में आएगा, और उसके बाद भारत पर इस्लामिक इन्वेशन हो जाएगा। अब हमारे लिए ज़रूरी है ह्यून सांग के अकाउंट को समझना, क्योंकि ह्यून सांग जो ये चाइनीज़ पिलग्रिम था, चाइनीज़ दर्शनार्थी था, ये जब भारत में आया तो इसने चाइना को छोड़ा था AD 629 में, और ये ट्रैवल कर रहा था पूरी दुनिया में। सबसे पहले ये भारत आता है और भारत में काफ़ी लंबे समय तक रहता है, लगभग 15 साल इसने भारत में बिताए, और उसके बाद चाइना ये वापस गया था AD 645 में। ठीक है, तो वो चांदनी चौक टू चाइना वाली कहानी है ना, बिल्कुल ये ह्यून सांग है। पूरा का पूरा 15 साल यहाँ रहे और हर्षवर्धन के समय में रहे, और हर्षवर्धन से मिले भी, और हर्षवर्धन ने ह्यून सांग के लिए एक असेंबली भी रखवाई थी कन्नौज में, जिसमें और भी दूसरे रिलीजियस लीडर्स आए थे। इन सारी चीज़ों के बारे में ह्यून सांग का जो ट्रैवल अकाउंट था, उनका पर्पस, उनका सारा डिटेल, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। तो देखते रहिए, आप इस कोर्स को कितना एंजॉय कर रहे हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग मोटिवेट करते हैं तो फटाफट वीडियो बनाने का मन करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय।